नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान शिक्षक भर्ती 2019-20 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक प्रेस नोट की कटिंग दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाएं, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे समाज में शिक्षकों के पैसे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा, जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग टेस्ट से होगी। वर्तमान में मौजूदा टेस्ट को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान का अधिक सार्थक परीक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक को शामिल करते हुए टेट को विस्तृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए टेट्स, राज्य या फिर केंद्र स्तरीय परीक्षा और एनटीए की परीक्षा को पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षाओं से शिक्षक की स्थानीय भाषा पर पकड़, शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को नहीं आंका जा सकता, जो कि एक उत्कृष्ट शिक्षक के गुणों में शामिल है। इसलिए इच्छुक शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की स्क्रीनिंग चयन प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। इसमें साक्षात्कार और 5 से लेकर 7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा। दूसरे चरण की स्क्रीनिंग चयन प्रक्रिया को स्थानीय BRC में कराया जाएगा, और अगर यह संभव नहीं है तो टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, नियुक्ति प्रक्रिया में जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इंटरव्यू और 5 से लेकर 7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा, और दूसरे चरण की स्क्रीनिंग को स्थानीय BRC में कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे देखिए, इच्छित छात्र शिक्षक अनुपात की प्राप्ति, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति करने की प्रक्रिया को एक बेहतर और विद्यार्थियों की जरूरतों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बदला जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में होने की वजह से शिक्षक वहाँ के सभी स्कूलों में उपलब्ध हो पाएंगे, इसीलिए इस व्यवस्था में इतनी लागत नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, शिक्षक शिक्षा को विश्वविद्यालय व्यवस्था में लाना, 4 वर्षीय एकीकृत BED कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 वर्षीय जो BED वाला जो कोर्स है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और आपको दोस्तों मैं प्रेस नोट दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा प्रेस नोट है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेस नोट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये प्रेस नोट है, यहाँ पर देखिए नई शिक्षा नीति। और दोस्तों इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, मैंने पूरा प्रेस नोट नहीं देखा, काफ़ी बड़ा है, मैंने सिर्फ थर्ड ग्रेड के बारे में देखा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस 650 पेजेस में टोटल, यहाँ पर देखिए 650 पेज है, काफ़ी बड़ा प्रेस नोट है। और दोस्तों इसमें बहुत कुछ दिया गया है नई शिक्षा नीति 2019-20 के लिए। इसमें दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों ही है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रेस नोट की लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना। यहाँ पर देखिए प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, और दोस्तों ये केंद्र सरकार ने जारी किया है, राज्य सरकार ने नहीं। ठीक है, और ये सभी राज्यों के लिए लागू होगा। यहाँ पर आप देखिए संदेश, और काफ़ी बड़ा प्रेस नोट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, श्री प्रकाश जावड़ेकर, सम्मानीय मंत्री मानव विकास मंत्रालय भारत सरकार, आदरणीय श्री जावड़ेकर जी, सबसे पहले जो गुरुतर दायित्व आपने मुझे और मेरे साथी सदस्यों को सौंपा था और उसे पूरा करने में हमें आपसे जो सहयोग और समर्थन मिला, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 आपको सौंप रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये साइन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए एजुकेशन पॉलिसी, यानी दोस्तों बहुत कुछ बदलाव किया जाएगा 2019-20 के लिए।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, ठीक है। तो बहुत कुछ दोस्तों बदलाव किया गया, हो सकता है कि सिलेबस में बदलाव हो। मैंने दोस्तों पूरा प्रेस नोट नहीं देखा, ठीक है। मैंने आपको टेट के बारे में बताया, आर टेट के बारे में बताया सिर्फ, ठीक है। तो आप देख लेना दोस्तों, बाकी की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।